सभी को जय सो। फिर से और एक बार आइए प्रभु को धन्यवाद देते इस समय के लिए और इस दिन के लिए। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। वचन शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना भवन टीवी के प्रोग्राम जितने परिवार देख रहे हैं, प्रभु जितने जन देख रहे हैं, प्रभु इस समय हर एक जन को तू आशीष दे, बरकत से भर और हर एक परिवार के प्रार्थना के उत्तर दे। प्रभु, अगर इस समय कोई भी बीमारी के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, तेरे से यीशु नाम से उसे चंगा कर कि वो साक्षी के कारण बन सके। सभी विषय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से विनती चाहते हैं। इस विनती को तू सुन और स्वीकार कर। आमेन। सभी को जय यीशु। आज थोड़ी देर के लिए देखते हैं हमारे दुखों के समय, हमारे दर्द के समय वचन किस तरह से हमें आपको सहारा देता है। दुनिया में देखिएगा, बहुत सारे जन हैं, आपके शायद दोस्त हैं, आपके परिवार हैं, आपके पड़ोसी हैं, मगर वो कभी कभी हमारे दुखों में साथ नहीं देता है। हमारे दुखों में वो साथ में नहीं रहता है, हमारे दुखों में, हमारे पास में वो नहीं रहता है। मगर प्रभु यीशु दुखों के समय में भी हर वक्त हमारे साथ देता है। वो हमारे दुखों के समय में अपने वचन के द्वारा हमें आपको बांधता है, हमें आपको देखता है और हमारे आपके जीवन को वो बदलता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए देखिए कि प्रभु क्या करते हैं दुखों के समय में। गीत रचक अपने गीत में कहा है, भजन संगीता 147 पद संख्या 3 में उसने कहा है, वो भग्न और हृदय को चंगा करते हैं, वो हर खेत को बांध देते हैं, वो टूटे हुए हृदय को देखते हैं। यीशु मसीह हमारे आपके टूटे हुए हृदय को देखते हैं, गमों में डूबे हुए हृदय को देखते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम आप कौन से गम में डूबे हुए हैं। हमारे दुखों को वो पोछने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बहुत ही सुंदर उसने अपने वचनों में कहा, नवी ईसाई के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 में उसने कहा, वो हमारे आपके आंखों के आंसू को पोछ देते हैं। कौन है ऐसा अपनापन कि हमारे आपके आंखों के आंसू को पोछेंगे? कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपके आंखों के आंसू को पोछ कर एक नया जीवन को दान करेंगे? मेरे यीशु है जो आपके सामने में हर वक्त रहते हैं, जो चाहते हैं हमारे आपके गुनाह को पोछ कर एक नया जीवन दान करेंगे। ये दुख बहुत कष्टदायक चीज है। ये दुख में जब एक आदमी डूब जाता है वो निकल नहीं पाता है। मैं जानता हूं इस समय जो लोग मेरे ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये प्रार्थना भवन टीवी के प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत परिवार दुखित है, बहुत परिवार दुख में भरे हुए हैं, कष्ट में भरे हुए हैं, क्योंकि वो लोग यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुना है और इसीलिए उस दुख से वो लोग निकल नहीं पाता है। वचन कहता है नबी ईसाई के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 और 16 में कहा है, एक माँ क्या अपने बच्चे को भूल सकता है? एक दूध मुहे माँ क्या अपने बच्चे को भूल सकता है? हाँ, भूल सकता है, मगर यीशु परमेश्वर कभी नहीं भूलते हैं। हमारे परमेश्वर कभी नहीं भूलते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप दुख के समय में घिरे हुए हैं, आप बोझ में घिरे हुए हैं। आज प्रियजन, ये दुख से निकलने के लिए परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी है। अपने दुखों को प्रभु के हाथों में समर्पण करना बहुत जरूरी है। हम लोग अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में नहीं रखते हैं और इसीलिए हम लोग भटक जाते हैं। आज हमें आपको समय मिला है अपने दुखों के बारे में थोड़ी देर के लिए मनन चिंतन करने के लिए। आप दुखित हृदय है, आइए प्रभु से बातें करते हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू मेरा दुखों को उठा ले, प्रभु मेरे दुखों को उठाकर तू एक नया जीवन दे। बहुत ही सुंदर उसने अपने वचनों में कहा, नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 13 में उसने कहा, एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे को सांत्वना देता है, मैं तुझे उस तरह से सांत्वना दूंगा, तू जेरूशलेम में सांत्वना पाएगा। एक माँ जिस तरह से एक बच्चे को सांत्वना देता है, मैं तुझे सांत्वना दूंगा। एक माँ जिस तरह से अपने बच्चे को गोदी में लेकर खिलाते हैं, खुशी दिलाते हैं, मैं तुझे उस तरह से खुशी दूंगा। मुझे याद है बहुत छोटे थे हम, तब परिवार में बहुत ही दुख के समय चल रहा था, मगर मेरी माँ कभी भी दुख को महसूस करने के लिए नहीं देते थे। वो हर वक्त कहते थे कि नहीं, तुम लोग खुश रहो। और मुझे याद है मेरे माँ खाना नहीं खाकर मुझे खिलाते थे। हम लोगों के परिवार में हमारे भाई को, हमारे बहन को खिलाते थे कि चलो तुम लोग खुश रहो।
प्रभु यीशु भी इस तरह से कह रहा है कि एक माँ जिस तरह से एक बच्चे को सांत्वना देता है, मैं भी तुम्हें उस तरह से सांत्वना दूंगा। क्या आप सांत्वना नहीं चाहते हैं? इसके लिए अपने दुखों को भूलना बहुत जरूरी है, अपने गमों को भूलना बहुत जरूरी है, और अपने दुखों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना बहुत जरूरी है। उसने कहा है रोमियो की पुस्तक अध्याय 8, अगर देखेंगे वचन में पद संख्या 28, बहुत ही सुंदर उसने कहा है, मैं जानता हूं ईश्वर का प्रेम के अनुसार तुम कार्य कर रहे हो, इसीलिए मैं जानता हूं तुम ईश्वर के कार्य कर रहे हो। ईश्वर के आशीष, ईश्वर के प्रेम के द्वारा तुम कार्य कर रहा हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम प्रभु के पास लौट कर आओ। और उसी वचन में उसने कहा है 31 अध्याय अगर देखेंगे, बहुत ही सुंदर उत्तम वचन उसने कहा है, अगर एक बार मनन चिंतन करेंगे, ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन मेरे विरुद्ध में खड़े होंगे, ईश्वर हमारे साथ हैं तो कौन मेरे विरुद्ध में खड़े होंगे। कोई खड़े नहीं हो पाएंगे, कोई आपके विरुद्ध में खड़े नहीं हो पाएंगे। मत डरिए कि आपके विरुद्ध में कोई खड़े हो जाएंगे, नहीं प्रियजन, कोई खड़े नहीं होंगे। जब आप प्रभु के पास आएंगे, अपने दुखों को समर्पण करेंगे, अपने दुखों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि प्रभु मैं दुखी हूँ, प्रभु मैं जानना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रभु तुझसे, तो मेरे दुख को दूर कर दे। उसने कहा कोई भी दुख यीशु के नाम से तुझे दूर नहीं कर पाएगा। रोमियो के पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 35 में उसने कहा कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई भी संकट प्रभु यीशु के नाम से तुझे दूर नहीं कर पाएगा। क्योंकि यीशु के नाम अगर एक बार हमारे ज़िंदगी में बैठ जाएंगे, यीशु का विश्वास अगर एक बार हमारे ज़िंदगी में बैठ जाएंगे, तो कोई भी शक्ति हमें आपको यीशु से दूर नहीं कर पाएगा। मैं आज चाहता हूँ आप अपने दुखों को प्रभु यीशु के नामों से समर्पण करें, प्रभु यीशु के चरणों में रखें। हमारे चर्च में मिसा चल रहा था। साधारण आप जानते हैं मिसा में चिल्लाना बहुत ही मना है, मगर वो मिसा के दौरान एक महिला चिल्ला रही थी, तो मेरे फादर जी ने मुझसे कहा कि ब्रदर जाकर थोड़ा देखो वो क्यों इस तरह से जोर जोर से चिल्ला रही है, क्योंकि वो इस तरह से कभी नहीं करती है। मैं जब जाकर उस माँ से पूछा क्या हुआ है माँ आपको, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं, मैंने उसको बुलाते हुए बाहर निकालकर उनसे बातें करने लगी। और जब मैंने उनसे बातें करने लगे तब उस माँ ने मुझसे कहा मेरे हृदय दुख से भरा हुआ है, मैं किससे कहूँगा, ये दुख आवाज़ होकर निकल रहा है, मैं किससे कहूँगा, ब्रदर आप मुझे बताइए मैं किससे कहूँगा। मैंने उनसे कहा सही बात है कि आप बहुत दुखी हैं, मगर मैं चाहता हूँ आपके दुखों को प्रभु के चरणों में समर्पण कीजिए, मैं चाहता हूँ आपके दुखों को प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं मेरे दुखों को समर्पण करना चाहता हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर कोई दुख को उठा सकता है वो यीशु मसीह है, अगर कोई दुखों को दूर कर सकता है वो यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु से कहना बहुत ज़रूरी है, जब हम लोग यीशु से कहते हैं, यीशु से बोलते हैं, यीशु के पास आकर अपने दुखों के लिए माफ़ी मांगते हैं, तब यीशु हमारे आपके दुखों को दूर कर देते हैं। दुखों के समय घबरा मत जाइए। बहुत ही सुंदर उसने अपने वचनों में कहा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में कहा है कि तुम मत डर जाओ, तुम्हारे हृदय ना डर जाए, मत डरिए, क्योंकि यीशु है आपके साथ, यीशु आपको अपने दुखों से निकालेगा, यीशु आपको एक नया जीवन दान करेंगे, यीशु आपको एक नया शक्ति देंगे कि आप उस दुख से निकल सके। इस समय प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि आप अपने दुखों को प्रभु यीशु के नाम से समर्पण करें, आप अपने दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। बहुत ही सुंदर उसने कहा नबी हबकुक के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17, 18 और 19 में उसने कहा, ये एक प्रार्थना भी है, उसने कहा देखो अगर डूमर फल नहीं होंगे, अगर हर पेड़ में फल नहीं धरेंगे, अगर जलपाई फल भी नहीं होंगे, अगर खेत में खाना नहीं उगेगा, अगर खुआड़ में मेस नहीं रहेंगे, अगर गाय भी नहीं रहेंगे, तो भी मैं परमेश्वर यीशु में आनंद करूंगा। ये दुख में शैतान चाहता है कि हम लोग और दुखित हो जाए, क्योंकि दुख शैतान हमारे ज़िंदगी में लाते हैं और दुख से हमारे जीवन को वो भर देते हैं। आज ये वक्त आपको मिला है प्रभु के चरणों में आकर
समर्पण करना। पदसंख्या 19 में उसने बहुत ही सुंदर उसने कहा है, मैं जानता हूं परमेश्वर मेरा शक्ति है, वो जिस तरह से हरिणी को चराते हैं वो मेरे चरण को उस तरह से चलाएंगे, ये कमजोरी के समय में वो मुझे उठाएंगे और वो मुझे उच्च स्थान से लेकर जाएंगे कि मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही सुंदर वचन उसने कहा है, वो मुझे उठाएंगे, दुखों के समय में वो उच्च स्थान से मुझे चलाएंगे। कौन है प्रियजन ऐसा? आपके प्रभु यीशु है, वो यीशु जिसने कोढ़ है खाते हुए क्रूस पर अपने जीवन को समर्पण कर दिया। थोड़े देर के लिए इस क्रूस को देखिए, बहुत ही दुख उसने हमारे आपके लिए उठाए हैं। ये दुख के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो दिन कट जाएगा, मगर उस दुख को अगर थोड़े देर के लिए देखेंगे, उसने एक शब्द भी नहीं निकाला हमें आपको पाने के लिए। हर एक दुखों को अपने जीवन से उसने उठाया है, पीठ में मार खाते हुए, थू से उसके मुंह भर जाते हुए, कोढ़े से मार खाते हुए, कीले से ठोक देते हुए, उसने हर एक चीजों से दुखों को उठाया है कि चलो हम आप खुशी रहे, हमारे आपके जिंदगी में खुशी रहे और हम आप लौट कर आ पाए। आज प्रभु चाहते हैं कि हम आप खुश रह सके, आज प्रभु चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में खुशी रहे। नबी इसाइस के ग्रंथ में उसने बहुत ही सुंदर वचन में कहा है, नबी इसाइस के ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10 अगर देखेंगे, वहां पर उसने कहा है, परमेश्वर ने अपने वचनों में बहुत ही सुंदर कहा है कि मैं जानता हूं कि तुम लोग दुख में इस तरह से चल रहे हो कि जिस तरह से सोना को जलाया जाता है, मगर विश्वास करो तुम लोग शुद्ध बन रहे हो, तुम लोग खांटी बन रहे हो। हापर में जिस तरह से जलाया जाता है तुम लोग उस तरह से दुखों में चल रहे हो। हां प्रियजन, आपके दुख शायद बहुत है, आपके दुखों को कोई नहीं देखता है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में आज आप लोगों से बातें करना चाहते हैं। इस व्यक्ति के बारे में जब भी मैं पढ़ता हूं मुझे बहुत ही ताकत मिलता है। मैं भी जब भी कभी कभी गमों में डूबा रहता हूं तब इस समय इस व्यक्ति के बारे में बहुत ही मनन चिंतन करता हूं, क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में जब भी मैं पढ़ता हूं मुझे शक्ति मिलता है। आप लोग सभी योब के बारे में जानते हैं, योब परमेश्वर के आंखों में एक धार्मिक व्यक्ति था। वचन कहता है उसको परमेश्वर ने चारी ओर से घेर रखा था। कौन सी चारी ओर? उसे सिद्ध बनाया था, उसे सरल बनाया था परमेश्वर ने। ईश्वर का डर उसके जिंदगी में था और वो कभी पाप नहीं करने वाला व्यक्ति था, मतलब चारी कॉर्नर से उसे घेर कर रखा था। मगर शैतान कभी नहीं चाहता था कि वो खुशी रहे। हम आप जब खुश रहते हैं शैतान कभी नहीं चाहते हैं कि हम आप खुश रहे, शैतान चाहते हैं कि हम आप गम में डूब जाए, शैतान चाहते हैं कि हम आप दुख में डूब जाए, चिंता में डूब जाए, और इसके द्वारा हमारे आपके जिंदगी में पाप, इसके द्वारा हमारे आपके जिंदगी में बीमारी आ जाए। उसने योब के जीवन को भी उस तरह से घेर कर रखा था, योब के जीवन को उसने शैतान उस तरह से घेर कर रखा था, मगर वो नहीं जानते थे योब ईश्वर के व्यक्ति है। अगर आप ईश्वर का व्यक्ति है तो आप भी प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो योब से कहा, मैं तेरे दास योब को देखा हूं। शैतान ने ईश्वर से कहा कि मैं तेरे दास योब को देखा हूं, तू मुझे बहुत सामर्थ से भर कर रखा है। विश्वासी जन, हमें आपको शैतान देखते हैं और वो जानते हैं कि प्रभु यीशु का कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर लगा हुआ है। वो नहीं चाहते उस कृपा में हम आप रहें, इसीलिए वो कोशिश करता है हर वक्त हमें आपको हिलाने के लिए। मगर वचन में अटल रहिए, परमेश्वर के नाम पर अटल रहिए, क्योंकि यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से मुक्ति और यीशु के नाम से हर एक बुराई दूर हो सकता है। और जो व्यक्ति यीशु के ऊपर निर्भर करते हैं वो कभी भी कोई भी बुराई के सामने में नहीं गिरेंगे, क्योंकि यीशु उसे रक्षा करेंगे, जैसे उसने अपने वचनों में कहा है। भजन संहिता 91 हम लोग जानते हैं, गीत संहिता 91 जहां पर उसने कहा है पद संख्या 9 और 10 में, तुम्हारे पास गिरेंगे बहुत सारे जन मगर वो तुम्हें छू नहीं पाएंगे, वो तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे, तुम्हें छुएंगे नहीं। आज ये समय हमें आपको दिया गया है कि हम लोग अपने जीवन को थोड़े देर के लिए मनन चिंतन करें, थोड़े देर के लिए सोचें। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब योब उस तरह से प्रभु से कहा, योब ने कहा प्रभु मैं नंगा आया हूं, मैं नंगा फिर से लौट कर जाऊंगा, प्रभु मैं मारती गर्भ से नंगा आया हूं,
मैं नंगा फिर से लौट कर जाऊंगा, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। क्या होता है ना प्रियजन, दुखों के समय में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, हम लोग प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं, हम प्रभु से नहीं करते कि प्रभु हमारे दुख को तू दूर कर दे, हमारे हृदय में जो दर्द है उस दर्द को तू दूर कर दे। मैं नहीं जानता हूँ कौन सा दवाई है कि आपके दर्द दूर हो सकता है, मगर एक नाम है जिसके द्वारा आपके दर्द दूर हो सकता है, वो है यीशु मसीह। आज इतने जन वचन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम हर वक्त दोहराते रहिए, चलते फिरते हर वक्त यीशु मसीह के नाम कहते रहिए। यीशु की जय हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु के लहू की जय हो, हर वक्त बोलते रहिए, क्योंकि यीशु के नाम आपके जिंदगी में गूंजना बहुत जरूरी है। जब यीशु के नाम आपके जिंदगी में गूंजते रहेंगे, आप यीशु के नाम की अगुवाई कर पाएंगे। आप लोग देखेंगे ना रास्ते में बहुत सारे युवक युवती चलते हैं, वो अपने कानों में हेडफोन लगाते हुए चलते हैं, वो अपने जीवन को हेडफोन में समर्पण करते हुए चलते हैं। मुझे याद है मैं बस में जा रहा था और एक बहन मेरे बगल में खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, अचानक उस बहन ने सिर हिलाना शुरू किया, वो सर हिलाते रहते चालू हो चुका है। मैं सोचा इस बहन को मिर्गी का द्वारा आ चुका है, मैं दूसरे जन से कहने लगा कि बहन को पकड़ो, इसको मिर्गी का द्वारा आ चुका है। उस बहन ने चित्कार करते हुए मुझसे कह रहा है कि अरे आप देख नहीं पा रहे, मेरे कानों में हेडफोन है, मैं गाना सुन रहा हूँ और मेरे सर हिल रहा है। कभी कभी तो पता नहीं चलता हेडफोन कहाँ पर है, मगर वो गाना सुन रहा था, उस गाना में इतना वो मोहित हो चुका था कि वो अपने सरों को हिला रहा था। हाँ प्रियजन, हमें आपको भी यीशु के नाम में मोहित होना बहुत जरूरी है कि जो भी हमें आपको देखे वो यीशु की तरह देखे, जो भी हमें आपको परखे वो यीशु की तरह परखे, जो भी हमें आपको महसूस करे यीशु की तरह महसूस करे। दुख की बात है, हम लोग अपने जिंदगी को यीशु की तरह नहीं देखते हैं। बहुत ही सुंदर उसने कहा नबी इसाइस के ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 17, कोई जिंदगी में उपस्थित हो चुका है। कभी दूसरे बार इस वचन को मनन करेंगे, मगर सिर्फ ये बात को मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि है। क्या आप नहीं चाहते परमेश्वर आपको देखे? क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके दुखों को दूर करे? अगर चाहते हैं तो प्रभु के पास आना, लौट कर आना बहुत जरूरी है, प्रभु से कहना बहुत जरूरी है। उसने कहा है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 और 29 में, हे बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा। उसने कहा है तुम अपने अपने जीवन के लिए शांति पाओगे। बहुत ही उत्तम विषय उसने कहा है। अगर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 देखेंगे, जहां पर उसने कहा है तुम अपने जीवन के लिए रोशनी पाओगे, क्योंकि मैं ही जीवन के ज्योति हूं, जो मेरे पास आते हैं वो कभी अंधकार में नहीं चलता है, वो अपने जीवन के लिए रोशनी पाते हैं। हां प्रियजन, यीशु का वो रोशनी बहुत जरूरी है। जब तक वो रोशनी आपके जिंदगी में नहीं आ रहा है, तब तक आप प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाएंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आज इस समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूं, प्रभु मैं अपने जिंदगी में तुझे अपनाना चाहता हूं। मुझे याद है एक रिट्रीट के लिए मैं पहाड़पुर गंज में गए थे। उस जगह पर रेल जब रुकी थी करीबन रात की 2 बजे हुई थी, पूरा स्टेशन अंधकार से भरा हुआ था, और उस अंधकार स्टेशन में जब ट्रेन रुकी थी कोई व्यक्ति टॉर्च के रोशनी मार रहा था, वो रोशनी को जल रहा था और बुता रहा था, और अपनी आवाज लगाते हुए उसने कहा मैं फादर जी हूं, आप क्या ब्रदर एंथनी है? मैंने कहा हाँ फादर जी मैं ब्रदर एंथनी हूं। उसने कहा उतर कर आइए, और जब मैंने नीचे उतरने के लिए देखा तो उस फादर ने कहा नीचे देख कर उतरिएगा। और सचमुच जब मैं नीचे देखा, नीचे में स्टेशन नहीं था, एक मिट्टी का रास्ता था जहां पर ट्रेन रुका हुआ था, मतलब वो ट्रेन के सीढ़ी से मुझे उतरने के लिए तकलीफ हो रहा था। फिर मैंने किसी भी तरह उस नीचे में उतरा, उतर के मैं चलने लगा। रोशनी बहुत जरूरी है, दुखों के समय यीशु के रोशनी बहुत जरूरी है। आप ये जगत के हाथों को पकड़ेंगे, ये जगत आपको रोशनी नहीं देगा, ये जगत आपको मुक्ति नहीं देगा, ये जगत आपको शांति नहीं देगा। अगर आप यीशु के हाथों को पकड़ेंगे तो आपको वो रोशनी देगा, एक मार्ग दिखाएगा। उसने कहा मैं मार्ग हूं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 7 में उसने कहा मैं मार्ग हूं। प्रियजन, आज अपने दुखों में भार मत हो जाइए,
बहुत ही सुंदर उत्तम वचन उसने कहा है। पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 6 और 7 अगर पढ़ेंगे, उसने कहा है, तुम अपने दुखों के भार मेरे ऊपर उठा दो, मैं उसे उठा लूँगा, मैं उसे बहन करूँगा, मैं उसे बहन करते हुए तुझे रक्षा करूँगा। बहुत ही सुंदर उसने कहा, अध्याय 5 पद संख्या 6 और 7 में उसने कहा है, तुम ईश्वर के हाथों के नीचे खुद को रखो, ईश्वर के हाथों के नीचे खुद को समर्पण करो। और उसने कहा, मैं सही समय में तुम्हें उठाऊंगा, मैं तेरे भार को ले लूंगा, तेरे हर एक सोच को मेरे ऊपर डाल दे, मैं उसे उठाऊंगा और मैं तेरे चिंता को दूर कर दूंगा। और एक लाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जब भी मैं पढ़ता हूँ शक्ति पाता हूँ। मैं आज आप लोगों से भी बांटना चाहता हूँ, इस लाइन को दोबारा नहीं, तिवारा नहीं, हर बार दोहराते रहिए। उसने कहा, मैं तेरे विषय सोचता हूँ। बहुत ही उत्तम विषय है, स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के परमेश्वर, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसने हमें और आपको बनाया है, वो हमारे आपके बारे में सोचते हैं, वो हमारे आपके दुखों को दूर करने के लिए सोचते हैं, वो हमारे जीवन को चलाने के लिए सोचते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम आप दुखी रहें, वो नहीं चाहते हैं हम आप कष्ट में घिरे रहें, वो कभी नहीं चाहते हमारे आपके दुख हमारे आपके जिंदगी में चले। बहुत ही सुंदर योन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, जो वो चांदनी घाट में बैठा हुआ था, 38 सालों से अपने दुखों को बहन करके चल रहा था कि कोई आए उसे पानी में उतारे और उसके जीवन में मुक्ति आ जाए। एक साल दो साल नहीं, करीबन 38 सालों से अपने दुखों को अपने बोझा को वो बह रहा था। यीशु ने आकर उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मेरा कोई नहीं है मेरे दुखों से उद्धार देने वाला। यीशु है उद्धार देने वाला, यीशु है निकालने वाला, यीशु है आपको शांति देने वाला, यीशु है जीवन को लाने वाला। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज जो ये वक्त आपको मिला है, ये समय जब मिला है, थोड़े देर के लिए चिंतन करें, थोड़े देर के लिए सोचें कि प्रभु आपको आपके दुखों से निकलने वाला है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके हाथों के नीचे खुद को समर्पण करें। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। आज परमेश्वर यीशु चाहते हैं कि आपने जिंदगी को प्रभु यीशु के हाथों में छोड़ दें। एक बार छोड़ कर देखिए प्रभु किस तरह से आपको रक्षा करते हैं। वो आपके चारी ओर में घेर देंगे दूतों के बसेरा। बहुत ही सुंदर गीत रचक ने कहा है, भजन संगीता 125 पद संख्या 1 और 2 में कहा है, जिस तरह से जेरूशलेम के चारी ओर में पर्वत से घेरा हुआ है, मैं मेरे लोगों को उस तरह से घेर कर रखूंगा। प्रभु आपके दुखों को दूर करने के लिए, आपके जीवन में शांति को लाने के लिए, आपके जीवन में उन्नति को लाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए वो आपको घेर कर रखते हैं। प्रियजन, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, इस समय अपने दुखों में डूब मत जाइए। हो सकता है आपके परिवार का दुख है, आपके जीवन का दुख है, आपके फाइनेंशियल दुख है, आपके बच्चे बच्ची का दुख है, आपके जीवन में रोगों का दुख है। इस दर्द से आप छिप मत जाइए, इस दर्द से आप डूब मत जाइए। अपने जीवन के खुशी को सोच मत दीजिए, ईश्वर को सोचने दीजिए। अगर ईश्वर आपके लिए सोचेंगे, वो आपको उठाएंगे, इस तरह आपको उठाएंगे कि जो भी व्यक्ति आपको देखेंगे, देखकर देखते ही रह जाएंगे, अरे ये तुम्हारा कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें इस तरह से उठाते हैं, जो तुम्हें इस तरह से शक्ति देते हैं, जो तुम्हें इस तरह से चंगा करते हैं। मैं एक भाई के बारे में बताना चाहता हूँ खत्म करने से पहले। वो भाई बहुत ही दुखित थे, कष्ट में जूझे हुए थे, घिरे हुए थे, मगर उसने मेरे पास आकर प्रार्थना मांगे कि ब्रदर, मैं प्रार्थना चाहता हूँ कि आप मेरे गमों के लिए प्रार्थना करें। मैंने उससे कहा, तुम अपने गमों को प्रभु येसु के नाम से समर्पण करो। और वो करीबन 7 दिन का फास्टिंग रखते हुए, उपवास करते हुए, प्रभु के पास प्रार्थना करते हुए उसने अपने जीवन को समर्पण किया। 7 दिन बाद वो आकर जब हमसे मिला, उसने कहा, मैं नहीं जानता हूँ ये 7 दिन मेरे जिंदगी में क्या हुआ है, मगर ये 7 दिन फास्टिंग करने के समय में कोई व्यक्ति मेरे साथ में था जो मेरे दुखों को उठा ले रहा था, जो मेरे गमों को उठा ले रहा था। जब भी मैं दुखित होने जा रहा था, वो कह रहा था, मैं हूँ, मैं तेरे आंखों के आंसू को पोंछ दूंगा, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे संग हूं, तू मत डर, मैं तुझे उठा रहा हूं। प्रियजन, वो हमारे आपके दुखों को उठाकर एक नया जीवन देते हैं। आज समय आपके पास है,
क्या आप अपने दुखों में डूब जाएंगे? क्योंकि दुखों में डूब जाने से शैतान आपको घेर लेगा। अस थोड़े देर के लिए मनन चिंतन करें, समर्पण करें कि प्रभु के हाथों में क्या आप समर्पण करना चाहते हैं। आइए आज हम लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें, प्रभु यीशु के चरणों में अपने आप को समर्पण करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं दुख में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तेरे शांति को महसूस करना चाहता हूँ। खत्म करने से पहले यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 और 28 में उसने कहा, वो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो अनंत काल के शांति देने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी दुख है आपके जिंदगी में, जो भी कष्ट है, वो प्रभु दूर कर दे और आपको नया जीवन दान करे। हे प्रभु, इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना भवन टीवी को जितने जन देख रहे हैं प्रभु, जितने परिवार इस समय देख रहे हैं प्रभु, हर एक जन को जीवन के तू आशीष दे प्रभु, दुख को दूर कर दे प्रभु, गम को दूर कर दे प्रभु, कि वो लोग गम में डूब ना जाए। तेरे सामर्थ्य शक्ति उन लोगों को दे प्रभु, कि तेरे उपस्थिति को वो लोग महसूस कर सके और तेरी अगुवाई कर सके। यीशु के नाम से विनती चाहते हैं, इस विनती को तो सुन और स्वीकार कर, आमेन। सभी को जय यीशु। नीचे दिया हुआ एड्रेस और फ़ोन नंबर दिखाया जा रहा है, इस पे आप लोग हमें चिट्ठी लिख सकते हैं, आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, 2400 घंटा आप लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रार्थना के विषय है हम लोगों को बताइए कि हम लोग आपके लिए दुआ कर सके। और विशेष रूप से कोई भी टेस्टिमनी है इस वचन सुनने के द्वारा आपको मिल रहा है, आशीष मिल रहा है, तो हमें लिख कर भेजिए कि जिसके द्वारा प्रभु की अगुवाई हो, प्रभु के नाम ऊँचा हो सके और प्रभु की महिमा हो सके। सभी को जय यीशु।